After spending 3 days consecutively at Sandakfu Fallout, I can surely say one thing. Once you acclimatize, there will be no pain. So today is the fourth day of our Sandakfu Fallout diaries and we will be descending towards Gorkhe. एक्चुअली हम लोग कल फालूट में थे तो फालूट से नीचे उतरने के टाइम सबसे पहला स्टॉप गोरखे ही आता है. तो बाय द वे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली गुड. लाइक आई मेंशन्ड इन अ प्रीवियस वीडियो दैट संदकपुर फालूट गोरखे आने के लिए आपको गाइड का जरूरत नहीं है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज रस्ते पे कोई ज़्यादा डाइवर्शन नहीं दिखा. एंड वन थिंग आई कैन सजेस्ट, यू कैन डाउनलोड maps.me ऐप, डाउनलोड ऑफलाइन मैप इन द एंटायर फॉर द एंटायर दिस ट्रेक एरिया एंड यू विल नॉट गेट लॉस्ट. So let's say goodbye to this beautiful place, Fallout and Sandakfu. Descend towards Gorkhe, which is like 14 kilometer downwards. Downhill है तो ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए. 4 घंटे estimated time to complete पकड़ के चलिए. Look where we are going. It's a kind of jungle trek you can say. थोड़ा slippery है but ठीक ठाक जाना पड़ेगा. सबको guide करके भी लेके आना पड़ेगा. Let's go, let's go. Yesterday when we were trekking to Fallout, it was written it was like 21 kilometer trek. But practically, मुझे लगा वो 24-25 kilometer के आसपास होगा. But today we are keeping a proper track and we'll calculate and tally with the exact 14 kilometer if it is matching or not. And मार्च अप्रैल के महीने में दोनों साइड रोडोडेंड्रन से भरा हुआ रहेगा. उसका एक अलग ही व्यू है. Let's go. My goodness. रास्ता है ही नहीं भाई कुछ. चलो 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 चलो. Okay. I need to catch up with the rest of the people because they are following offline map. My goodness. कहाँ से होके हम लोग जा रहे हैं देखो. Till now, good. So after walking for almost 2-2.5 kilometers, we just stopped at a place. थोड़ा चिल मारते हैं यहाँ पे. हेलो 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 गाइस, यू आर लॉस्ट राइट? दोस पीपल आर सर्चिंग फॉर यू. मीट माय न्यू फ्रेंड. दे बिस्कुट दे, दे हिमालयन डॉग. क्या नहीं खाना है क्या? हेलो हेलो हेलो, बहुत गुड करे भाई. जस्ट टिप कर लो आमा, एकदम गुड है. दैट साला खाचे आमा के मास मालिश करते बोले. सो जगह का नाम है आलू बाड़ी एंड वी आर जस्ट चिलिंग आउट हियर धूप में बिस्किट. सो दोस्त व्हाट इज लाइफ? किंग साइज लिव लाइफ, किंग साइज दिस किंग साइज लाइफ. प्रॉब्लम ये है कि मेरा पैर में थोड़ा बहुत मोच आ गया बट या आई एम ओके. We are having this biscuit break. We have milk. Cheers. Cheers. So we are having milk tea. For the last 2-3 days, weather was very clear, bright sunshine. But right now, dark clouds are hovering here. There is a chance that we may get rain, right? On our way. हम लोग चले जा रहे हैं ना तो इसलिए दुखी है थोड़ा weather. मौसम दुखी है. इसीलिए थोड़ा sad sad का vibe दे रहा है. छाता निकलना पड़ेगा फिर लग रहा है. Look how the trail looks like through this dense forest. And I'll not be surprised agar koi Himalayan endangered species hum logo ko dikh jaye. But chances are less. Kahi se bhi to dikh jaye. We came across this structure. Looks like kind of graveyard. But it's not. Kind of gravel work hai. Yeah, looks like graveyard. Thoda pair mein dard ho raha hai because of that sprain. आने के टाइम थोड़ा बहुत पैर में मोच आ गया बट या राइट नाउ आई एम गुड. सो वी आर जस्ट अराउंड 2.8 और 9 किलोमीटर फ्रॉम गोरखे. आज ठीक ठाक है, हम सबका तबीयत हालांकि का सब कुछ ठीक ठाक है बट दिस फॉरेस्ट आर सो डेंस कि एकदम जमीन तक सनलाइट ही पहुंच नहीं रहा है. काफ़ी डार्क है और
ट्रेल काफी इजी है क्योंकि ये डाउनहिल है, डाउनहिल है करेक्ट या। और इस टाइम पे अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा दिमाग पे रखो कि 4:30 बजे ऐसा डेंस फॉरेस्ट में तो आपको पूरा अंधेरा मिल जाएगा, तो उस टाइम पे आपको हेड टॉर्च चाहिए, नहीं तो मोबाइल फ्लैश लाइट का हेल्प लेना पड़ेगा। कभी कभी शॉर्टकट लेने के चक्कर में बहुत बार हम लोग फंस जाते हैं, रास्ता डिफिकल्ट भी हो जाता है। एंड यू कैन सी द लाइक डाउन हिल, लाइक इट्स कम्प्लीट ट्रिकी टेरेंस, थोड़ा दर्द हो रहा है ये रास्ते पे उतरने के लिए, एंड दैट इज अ लॉन्ग रूट, दिस इज द शॉर्टकट वन। माई सजेशन विल बी आप स्लो एंड स्टेडी नीचे जाओ, लॉन्ग रूट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल देन डोंट टेक। कभी कभी हम लोग पीयर प्रेशर में आके शॉर्टकट रूट ले लेते हैं एंड नीज का बारह बज जाता है। यस, ये वाला है शॉर्टकट रूट एंड दिस इज द वन लॉन्ग रूट, इधर से होके आ रहा है लॉन्ग रूट और ये शॉर्टकट के साथ यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है एंड वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट साइड टुवर्ड्स गुड़के। इट्स जस्ट 2:40 PM इन द आफ्टरनून एंड यहाँ का जो माहौल है देख के लग रहा है वॉज ऑलमोस्ट 4:30 PM इन द इवनिंग। चारों तरफ इतना शेडो एरिया है और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और जितना लोगों को हम लोगों ने पूछा इन द लास्ट 30 मिनट्स दे ऑल सेड और आधा घंटा भैया और आधा घंटा, आई डोंट नो कि कब खत्म होने वाला है, बट दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी ट्रिक राइट। पीछे कोई आ रहा है, मेरे को म्यूजिक का साउंड आ रहा है। हेलो गाइस, क्या बोलना है, सब्सक्राइब टू क्या है द बॉन्ग वे, दैट्स इट, आप बोल दिए इतना बहुत है। कमेंट करो, और मैं सिक्किम से हूँ, मुझे फालूट से लौटते वक्त द बॉन्ग वे फेरर मिला, हम 3 बार मिले। बाय बाय गाइस। भैया के पैर पर मोच आ गया है और वो चेपो क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चल रहे, मतलब इतना फास्ट नहीं जा पा रहे। मैंने 3 लोगों से पूछा, पता है 3 लोगों ने बोला 30 मिनट्स 15 मिनट्स है अभी, 1 घंटा पहले से 15 मिनट्स, अभी भी 15 मिनट्स। ये होता है पहाड़ों में हमेशा एक ही बोलते हैं। आ गए। मेरा नाम डोमा सिरपा है, मैं सिक्किम से हूँ, कोई मुझे पहचान गया तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, नहीं मिठाई लेकर मेरे घर पे आओ। सिक्किम से कहाँ पे? सिक्किम रिपदी पर। मतलब वो कौन सा साइड आता है, वेस्ट ईस्ट या नॉर्थ? वेस्ट, उधर वो गोरखे का उधर। अच्छा, और वहाँ जाके डोमा शेरपा नाम लेके चिल्लाना, मिनिमम फिर देखना 5-6 लोग मेरे को मारने आ गया, 100 डोमा शेरपा आएगा। अच्छा अच्छा कमेंट करना गाइस। या श्योर, नहीं इस बार डोमा ने सच बोली है, और 15 मिनट अब 15 मिनट आ जाओ आ जाओ आ जाओ 15 मिनट है गाइस। वी स्पॉटेड गोरखे फाइनली आफ्टर 5 आवर्स ऑफ रिगोरस ट्रेकिंग। That's the view. हम लोगों का जो GTA है जहाँ पे हम लुकने वाले हैं, लाइक वो नदी क्रॉस करके वो साइड जाना पड़ेगा ऐसा सुनने को आया। यहाँ पे बहुत सारा होमस्टेज है, आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत सारा होमस्टेज है, बट हम लोग का बुकिंग है एट GTA एंड हम लोग ये ऊपर से चढ़ते हुए नीचे तक आए। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। शाम होते होते और 2-3 घंटा मैक्सिमम 5-5:30 बजे के आसपास ही हो जाएगा लगभग। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सिलिंग शेरपा। सिलिंग शेरपा, एंड आप यहीं के रहने वाले हो? इधर रहते हो? यू स्टे हियर? यही पर। वो कौन सा विलेज है वो ऊपर जो दिख रहा है? समदिन। एरियल व्यू का मजा ही कुछ अलग है, बट नीचे हम लोग पहुंच जाएगा तो इतना बढ़िया वाला व्यू दिखने को नहीं मिलेगा। इफ यू कैन सी दैट्स आवर GTA एंड वी विल बी स्टेइंग देयर ओनली, दैट ग्रे कलर रूफ। सो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में राममाम रिवर जा रही है और राइट हैंड साइड से यू कैन सी गोरखे रिवर। सो दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे यू कैन सी अ ब्यूटिफुल क्वेंट विलेज विच इज़ नोन बाई द नेम ऑफ गोरखे। यू कैन सी डिफरेंट कलर्ड रूफ्स विच इज इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। देर इज़ रेड रूफ, देर इज़ ग्रीन रूफ, देर इज़ एश कलर्ड रूफ एज वेल, एंड देर इज ऑल्सो सम टिन कलर्ड रूफ्स। उधर जा सकते हैं क्या 5 घंटे का ट्रेक के बाद? अभी तो मुश्किल लग रहा है, शायद कल। नहीं, कल और भी मुश्किल होगा, बिकॉज कल थोड़ा हम लोग का चिल डे है, प्लान है लाइक वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पेलिंग वाया वड़ेंग। तो यहाँ से गोरखे से डायरेक्ट गाड़ी जो है डायरेक्ट गाड़ी पेलिंग तक नहीं जाता है, हम लोग ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किए, बट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स वड़ेंग। वहाँ से वड़ेंग कहाँ से जाना पड़ता है?
इधर से ही ना, गोरखे से भाड़ेंगे इधर से, उधर से, उधर से। अच्छा तो हम लोग भाड़ेंग पहुंच के वहां से पेलिंग की तरफ जाएंगे, वहां पे एक दिन हम लोग का स्टे है, उसके बाद बैक टू सिलीगुड़ी, बैक टू होम, बैक टू वर्क, एवरीथिंग डन। वी आर क्रॉसिंग साइड बाई साइड ऑफ गोरखे रिवर, बहुत नज़दीक है, एंड राइट नाउ वी विल बी क्रॉसिंग दैट फुट ब्रिज, वो क्रॉस करके दैट साइड इज GTA ट्रेकर साट। पानी यहाँ से बह के वहाँ पे कन्फ्लुएंस पॉइंट है, उधर से आ रहे रममम रिवर एंड इधर से गोरखे रिवर, बोथ आर मीटिंग एट दैट पॉइंट, लेट्स गो। अभी भी टाइम है सनसेट होने का, बट इट सीम्स बहुत जल्दी चारों तरफ शाम होने वाला है। ये सब जितने भी ऊपर घर आप देख रहे हो, दिस ऑल कम्स अंडर गोरखे विलेज, एंड यहाँ का लोगों का मेन वे ऑफ लिविंग है कल्टीवेशन। कैन यू गैस हियर द टर्बुलेंट साउंड ऑफ दिस रिवर ऑन द बैक साइड, बहुत तेज पानी का बहाव है, एंड माई सेल्फ एंड सुशील आर जस्ट वेटिंग हियर टू क्लिक सम फोटोज। बहुत ही खास व्यू है, ये गोरखे रिवर बहुत सुंदर दिखता है। Down the highway side, cold wind, but it feels right with you. I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want. फाइनली रीच टू आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, दैट इज GTA ट्रेकर साट गोरखे। बहुत ही क्यूट सा व्यू है, साइड में नदी बह रहा है, उसके सामने ठीक ये दो कॉटेज, ब्यूटीफुल। बिफोर एंडिंग टूडेज व्लॉग, लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल रूम व्यू ऑफ GTA गोरखे। इसका जो शेप है ना, इट्स लाइक ए ट्रायंगल ऑन टॉप, एंड तीन बेड है, 1, 2, 3। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, we can charge our gadgets over here, and it looks very neat and clean. ye view bhi bahut sahi hai, window open karo aur pura nadi ka view lo, beautiful. So we are having chow mein with egg for all of us, so please do the honor and serve it. I hope it will be delicious. It's time to have our dinner, and look what we got. Papad, achar, pyaz. This is obviously the chicken curry. Oh my goodness. And this is the rice for sure. Hot, smoky rice. Let's enjoy our dinner. But this chicken looks delicious, I must say. Apart from chicken and पापड़, वी गॉट आलू भुर्जी एज वेल। हो गया हो गया, चलो तुम जिस स्पीड पे दे रहे हो उसमें सुबह हो जाएगा। तो विद दैट सर, आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ डिसेंडिंग टू गोरखे फ्रॉम फालुट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्ग वेफेयरर, फील फ्री टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एज आई एम नॉट 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। But I just want more.